हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैंने ये वाली डिज़ाइन बनाई है ब्लाउज में, जो कि मेरी डिज़ाइन बहुत ही प्यारी बनके तैयार हुई है। और इसे बनाने का सिंपल और सबसे आसान तरीका है। अगर आप भी इस तरीके की डिज़ाइन बनाना चाहते हैं अपने ब्लाउज में, तो मेरी वीडियो को बिना स्क्रिप्ट करे देखें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और हम बहुत आसानी और सरल तरीके से बताएंगे, आप पहली बार में ही डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैं ये इस डिज़ाइन को बनाने में क्या क्या यूज किया। मैंने अस्तर और ब्लाउज का कपड़ा और ये लेस लिया है। और सबसे पहले हम कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके 2 इंच का मार्जिन रखते हुए कपड़े को हमने ले लिया। और मेरी ब्लाउज की लंबाई है 13 इंच, तो हम 14 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और बीच में आर्महोल के लिए हम 6 इंच पे इस तरीके से निशान लगा दे रहे हैं। दोनों साइड हम सेम तरीके से निशान लगा करके दोनों निशान को इस तरीके से मिला लेंगे। और अब हम इस पे लगाएंगे शोल्डर का निशान, तो हम बोर्ड नेक की तरह गला बनाएंगे, तो हम 6 इंच पे और बीच में यहाँ 2 इंच पे निशान लगा दिया। इसी तरीके से हम नीचे भी 6 इंच और 2 इंच पे निशान लगा करके दोनों निशान को हमें मिला लेना है बिल्कुल सीधा। और हमारा यहाँ चेस्ट का निशान है 10 इंच, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। हम नीचे यहाँ 4 इंच पे एक निशान लगाएंगे, जो कि हमारा ब्लेड का निशान है। ऊपर की साइड हम 4 इंच करके इस तरीके से निशान को सीधा पार देंगे। और यहाँ पे हम कमर के अकॉर्डिंग निशान लगा ले रहे हैं, हम 9.5 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे हम इस तरीके से गला जितना आपको रखना है उतने गले के हिसाब से निशान लगा लेना है। और हमने इस तरीके से अपने गले के अकॉर्डिंग निशान लगा लिया है। हम दोनों निशान को इस तरीके से मिला देंगे। और उसके बाद हम यहाँ से हल्की हल्की 1 इंच की गोलाई लेते हुए गोलाई लगा देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग गला बना सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग पट्टी भी रख सकते हैं। और हम यहाँ 1.5 इंच पे निशान लगा करके आर्म होल का निशान हम लगा देंगे इस तरीके से। और इसे हमारा 8 इंच आना चाहिए, तो हमारा 8 इंच आ गया है। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे गोलाई वाले निशान से। जो हमने मार्जिन का कपड़ा लिया उसको ले करके हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है, अब यहाँ पे हम कट लगा देंगे निशान पे। इसी तरीके से यहाँ कैंची की मदद से हम दूसरी साइड निशान लगा लेंगे प्लेट वाले, और दोनों निशान को इस तरीके से कट से मिला देना है। अब हमारा बैक पार्ट कट के तैयार हो चुका है। हम कपड़ा लेंगे और कपड़े पे इस तरीके से सीधी साइड हमें कपड़ा में सीधी साइड रखना है, और ब्लाउज का निशान अंदर की साइड रखते हुए इस तरीके से पिन की मदद से रोक लेना है। और रोकने के बाद हम इसे कटिंग कर लेंगे बिल्कुल बराबर से कपड़े के अस्तर के बराबर कपड़े को कटिंग करना। अब हमारा कटिंग हो चुका है बैक पार्ट, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ गले की सिलाई करेंगे। यहाँ से हम एक पैर की दूरी पे इस तरीके से मशीन चलाएंगे किनारे किनारे, और यहाँ कोने पे हमें मशीन को उठा करके सिलाई लगाना है। अब हमारी सिलाई लग चुकी है, हम कोने पे हल्का सा कट लगा देंगे। नीचे की साइड हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा उसको कटिंग कर देंगे, और यहाँ से 1/2 इंच पे हमें सिलाई लगा लेना है। अब हम सिलाई लगाने के बाद दोनों साइड पिन को निकाल देंगे, और अब यहाँ से हम पलट लेंगे कपड़े को इस तरीके से। अब हमारा कपड़ा पलट चुका है, हम इस तरीके से अस्तर और कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए किनारे किनारे से सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे पूरे गले की सिलाई हो चुकी है। अब हम नीचे की साइड भी सिलाई लगा लेंगे कपड़े को बराबर करके। अब हमारी सिलाई लग के तैयार हो चुकी है दोनों साइड। अब हम कच्चा कर लेंगे कपड़े को बिल्कुल बराबर में रखते हुए। अब हमारे ब्लाउज का बैक पार्ट कच्चा होके तैयार हो चुका है। अब हम प्लेट लगाएंगे, प्लेट लगाने के लिए जो हमने निशान लगाया उससे हम प्लेट लगाएंगे। नीचे की साइड हम 1/2 इंच रखें, और ऊपर की साइड को हम सीधा इसी तरीके से निकाल लेंगे बिछिया लगा के। इसी तरीके से हम दूसरी साइड का प्लेट भी लगा लेंगे। अब हमारा दोनों साइड का प्लेट लग चुका है, और अब हम बनाएंगे इसमें डिजाइन। डिजाइन के लिए हमने कपड़ा लिया है 25 इंच, और चौड़ाई इसकी मैंने 3 इंच रखी है, और 8 इंच लंबा ये वाला कपड़ा है, और 5 इंच चौड़ा। तो हम इस पर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे 1/2 इंच पे। और अब हम यहाँ यहाँ कोने पर हल्का सा कट लगा देंगे, और पलट करके इस तरीके से हम
पेचकस की मदद से इस तरीके से कोनों को निकाल दिया और अंदर की साइड को हम कपड़े को फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे से। अब इसी तरीके से हम चारों साइड से सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे। अब हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम बीच से फोल्ड करके निशान लगा के सुई धागे की मदद से इस तरीके से हमें चुन्नट लगा लेनी है छोटी छोटी और उस पर इस तरीके से सुई की मदद से बांध देना है। अब हमारी डिजाइन बन चुकी है। अब इसमें हम लगाएंगे यली पट्टी। तो हमने कपड़े को चार पार्ट में फोल्ड कर लिया और इस तरीके से दोनों साइड से कट कर दिया तिरछा और इस पर हम सिलाई लगा लेंगे किनारे किनारे आधी इंच पे। और हमारी सिलाई लग चुकी है तो हम इसको पलट लेंगे इस तरीके से। हम पलट करके यहाँ से कोने को निकाल देंगे सुई की मदद से। अब हमारा कोना निकल चुका है। हमारा दूसरी साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकला हुआ था हम वहाँ से मोड़ करके इस तरीके से इस पे किनारे किनारे सिलाई लगा लेंगे। अब हम पूरे में सिलाई लगा लिया तो कपड़े को दो पार्ट में इस तरीके से फोल्ड कर देंगे और इस डिजाइन पे इस तरीके से रख करके सुई धागे की मदद से बांध देंगे जिससे अच्छी तरीके से हमारी डिजाइन बनके तैयार हो जाए। बिल्कुल मजबूती के साथ बांधना और फिनिशिंग के साथ इस तरीके से हमारी डिजाइन बन चुकी है। और अब हम इसको लगाएंगे ब्लाउज पे। ब्लाउज में लगाने के लिए सबसे पहले हमें ब्लाउज को ले लेना है। हम उस पर पहले लेस लगाएंगे। तो लेस लगाने के लिए हमने लेस लिया है। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग लेस ले सकते हैं। और किनारे किनारे से हमें सिलाई लगा लेना है। कोने पे हमें फोल्ड कर देना है और इस तरीके से हमारी सिलाई लग चुकी है लेस पे। अब हम दूसरी साइड से किनारे किनारे लेस पे सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा लेस अच्छे तरीके से सेट हो जाए। अब हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ से बीचों बीच से फोल्ड करके निशान लगा लेंगे और इस तरीके से हम सुई धागे की मदद से टांग देंगे इस डिजाइन को। हमें इस तरीके से टांगना है इस डिजाइन को कि हमारी सिलाई दिखे ना। अब इसी तरीके से हम बांध देंगे मजबूती के साथ जब तक हम डिजाइन को लगा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा यह ब्लाउज का डिज़ाइन कैसा बना है। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।